आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सचिव जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, राज्यसभा के कॉन्फ्रेंस विनय विश्वम एंड AISF के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर विश्वजीत कुमार गए थे। और जानते हैं कि आज से 3 दिन पूर्व कन्हैया कुमार भी विजिट किए थे मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसी सवाल पर आज जो लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे इन्फ्लाइटिस के शिकार हुए हैं बिहार में, बल्कि उससे ज़्यादा भी, इर्द गिर्द जिला को मान लीजिए तो 300 से ज़्यादा हो गया पूरे बिहार के अंदर इस बीमारी से इन्फ्लाइटिस से। लेकिन यह सरकार और कुछ लोग इस तरह का बनावटी कर रहे थे कि लीची के खाने से होता है, लेकिन यह सरासर गलत है। अभी आपने सुना है कि इन्होंने साफ कहा कि सबसे बड़ा कारण मेल न्यूट्रिशन है, मैंने कुपोषण का शिकार जो बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चे वही बढ़े, वही इस बीमारी के शिकार हुए और उसके चलते ही हुआ। सरकार इस मायने में टोटल फेल कर गया, केंद्र और राज्य सरकार, जबकि नड्डा आए, अश्विनी कुमार चौबे भी गए, नीतीश कुमार भी गए, लेकिन अभी तक उसकी सही व्यवस्था नहीं हुई है। अब थोड़ा कम हुआ लेकिन अभी भी लोग बच्चे मर रहे हैं, इसलिए मांग करती है हमारी सरकार कि इस पर अविलंब कड़ी कार्रवाई की जाए इसके प्रोविजन की। और इस सबसे बड़ा काम तो ये करने का सवाल है कि बच्चे को जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह में मेल न्यूट्रिशन दिया जाता है वो सारे के सारे लूट लिए जाते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कुपोषण का जो शिकार हुआ उसको जो है पोषाहार अच्छे ढंग से दिया जाए। और अभी तक जो बच्चे मरे हैं उसको मात्र 4 लाख देता है। तो मांग करते हैं हमारे अभी जो विश्वजीत और हमारे पार्टी के नेता विनय विश्वम जी गए थे, जिनका मांग है, इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया 0 आवर में आज से 3 डेज बिफोर, और इनका मांग है कि एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए भरपूर। ये 4 लाख तो एक तरह से कहिए उसको फुसलाने का सवाल, दूसरा इनका कहना है उसका रिहेबिलिटेशन का भी व्यवस्था करना चाहिए और उसके इस बीमारी के रोकथाम करने के लिए रिसर्च सेंटर वहाँ बनाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर यह बीमारी आगे फिर फैल न सके। बिहार में तो अभी 300 से ज़्यादा लोग लू के शिकार हो गए, लेकिन यह सरकार कम्प्लीटली फेल है इस सवाल पर। यह आज बिहार सरकार की हालत है, इसलिए बिहार और केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सवाल पर फेल है बिहार के अंदर, लोगों की जान बचा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो लिया हम उसका समर्थन, हमारे विभिन्न विश्व में कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, वो सही है और उसके खिलाफ कार्रवाई की। दायित्व तो क्या स्वास्थ्य मंत्री पे क्या इस्तीफे की? हाँ, दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी इस्तीफे का नहीं लेकिन भरपूर उसको मदद करने का सवाल, यही ना आपका रिजिग्नेशन का नहीं मांग करना है।